राम राम, कैसे हैं आप सब? वालेकुम अस्सलाम, सब बढ़िया होगा आई थिंक। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और स्टार्ट क्या कर रहा है, खत्म होने के कगार पे है। आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि सोल्यूशन आप पढ़ रहे हैं सोल्यूशन ऑफ हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी, और इसके पहले की वीडियो जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेसिकली इसका पार्ट एट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन 41 से लेकर 50 तक डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि मैंने इसके क्वेश्चन पहले ही अपलोड कर दिए हैं, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप सारे पढ़ के जाते हैं तो इस सब्जेक्ट में आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आप अच्छे नंबर से पास होंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, टाइम कम है, इसलिए अगर आप इतना ही क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपके लिए पर्याप्त है। इससे पहले के 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, आप प्ले लिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आज पार्ट 8 की बात करते हैं, इसमें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, हैंडलिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। क्वेश्चन नंबर 41 इज हैंडलिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग। ठीक है, ये क्या होता है? सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि व्हाट इज द शेड्यूल एक्स ड्रग, किसे कहते हैं शेड्यूल एक्स ड्रग। देखिए, शेड्यूल एक्स ड्रग ऐसी ड्रग होती है जो प्रिस्क्रिप्शन वाली ड्रग होती है, यानी आप किसी भी, अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, आप केमिस्ट है, तो आप किसी भी पेशेंट को ये दवाइयां, ठीक है, बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देंगे। ठीक है, जब तक आपके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा, डॉक्टर का पर्चा नहीं होगा, आप इन दवाओं को दे नहीं सकते। हैंडलिंग इसके लिए बहुत जरूरी है। तो ये होते हैं हमारे शेड्यूल एक्स ड्रग, जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, जिसको हम लोग प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होती हैं, इसलिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के इसको हम नहीं दे सकते। ठीक है, इसमें बेसिकली ज्यादातर है एंटी एंग्जाइटी का, कार्डियक्स का, सीनस स्टिमुलेंट का, डिप्रेसेंट का, ये सारी दवाइयाँ आती हैं जो ब्रेन पे काम करती हैं, हार्ट पे काम करती हैं, इसलिए ये डेंजरस है, इसको हम बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दे सकते। इसकी हैंडलिंग 3 लेवल पे हम कर सकते हैं। एक हैंडलिंग सेल के दौरान, जब हम मेडिकल स्टोर में इसको सेल कर रहे हैं, दूसरा इम्पोर्ट के दौरान, जब हम इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं यानी बाहर बेच रहे हैं, ठीक है, और तीसरा इम्पोर्ट कर रहे हैं या मंगा रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और तीसरे की बात करें अगर हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, यानी 3 केसेस में इसकी हम हैंडलिंग कर सकते हैं। हमको इसकी हैंडलिंग मतलब क्या है, क्या क्या हमको ध्यान देना है जब इन दवाओं की हम हैंडलिंग करते हैं। तो पहला है हैंडलिंग ड्यूरिंग सेल, पहली हेडिंग है। तो हैंडलिंग ड्यूरिंग सेल जब आप बेचते हैं मेडिकल स्टोर में, तो आपको एक चीज बहुत ध्यान देना है कि आपको इसका प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर का देखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या करना है कि आपको इन दवाओं के, ठीक है, इन दवाओं के लिए एक डेटा मेंटेन करना, एक रिकॉर्ड फाइल मेंटेन करना, जिस पेशेंट को आपने दिया उस पेशेंट का नाम, उसका डेट, उसकी हिस्ट्री और इस डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन उसके साथ लगा के आपको इसका पूरा डेटा मेंटेन करना है। ठीक है, इन दवाइयों को, शेड्यूल एक्स ड्रग को आपको अलग से रखना है काउंटर्स में, इसको एक जनरल दवाओं के साथ नहीं रखना है, ये सब चीज हैंडलिंग आपको कर, और इसके साथ पूरा डेटाबेस मेंटेन करना है, आप कितना दवा खरीद के ला रहे हैं, कितना दवा किसको बेच रहे हैं, इसका पूरा डेटाबेस आपको ये रखना होता है, ये सेल के काज में। इम्पोर्ट केस में क्या होता है फ्रेंड, जब भी अब हम ड्रग को इम्पोर्ट करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें बहुत ध्यान देनी होती हैं कि उसकी प्रॉपर लेबलिंग कैसी है, उसमें जो इंस्ट्रक्शन है वो लिखा है कि नहीं लिखा है, उसमें शेड्यूल एक्स ड्रग लिखना होना बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ उसमें गिव विद डू नॉट गिव विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, ये भी लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें कुछ इम्पोर्ट में भी, उसके फिर डेटाबेस मेंटेन करना, कितनी क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी नहीं, वो मेंटेन करना। और मैन्युफैक्चरिंग में आपको ध्यान देना है खास तौर पे कुछ लेबल पे, अगर आप कोई टैबलेट या कैप्सूल का लेबल देखेंगे तो कुछ खास बात ये है कि उस लेबल में साइड में एक रेड कलर की लाइन होनी बहुत जरूरी है। आप कोई भी कैप्सूल टैबलेट या सिरप उठा कर देख लो, अगर वो ड्रग शेड्यूल एक्स वाली है तो उसमें साइड में रेड लाइन होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैन्युफैक्चरिंग में सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देना है शेड्यूल एक्स ड्रग के केस में। दूसरा, उसके लेबल में फार्मूले के ऊपर RX का लिखा होना बहुत जरूरी है, जैसे हमें कोई फॉर्मूला लिखा सोडियम सिट्रेट क्लोरोफेनिरामीन मैलिएट अमोनियम क्लोराइड, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऐसे, तो उसके ऊपर यहाँ पे RX का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, दूसरी पॉइंट ध्यान देना है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान देना है कि आपके लेबल में एक बॉक्स बनके रेड कलर का, उसमें शेड्यूल एक्स ड्रग होना जरूरी है, यानी आप उसके लेबल में कहीं भी इस तरह से रेड बॉक्स बनाकर उसके अंदर आपको लिखना है शेड्यूल एक्स ड्रग, और फिर आपको यहाँ पे लिखनी है वार्निंग, एक बॉक्स और बनाना है वहां पे लिखनी है वार्निंग, और वार्निंग में क्या लिखना है कि डू नॉट सोल्ड विदाउट डॉक्टर्स या फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन, कि सब प्रिस्क्रिप्शन के आपको ये दवा बेचनी नहीं, यानी ये 4 चीजें आपको मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हैंडलिंग करनी है, यानी कि ध्यान देना है जब आप ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसके पैकेजिंग में, लेबलिंग में, ये 4 चीजें होनी बहुत जरूरी है। पहला, एक रेड लाइन होनी चाहिए साइड में, ऊपर RX का सिंबल होना चाहिए, शेड्यूल एक्स ड्रग लिखा होना चाहिए और वार्निंग लिखी होनी चाहिए, ये 4 चीजें बहुत ध्यान देना है। ये है हमारा बेसिकली हैंडलिंग ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग।
क्वेश्चन नंबर हमारा 41 का फ्रेंड। अब क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 इज डिस्क्राइब लीकेज एंड क्लैरिटी टेस्ट फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स, ठीक है। ये क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 42 है, क्लासिफाई द लीकेज एंड क्लैरिटी टेस्ट फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स। क्या होता है फ्रेंड, सर्जिकल ड्रेसिंग्स क्या होते हैं? आपको पता है कि जब कहीं चोट और घाव लगती है, हमारे हाथ में जब कहीं चोट लगती है तो हम क्या करते हैं, इस पर एक पट्टी बांधते हैं ना, वो पट्टी जो बांधते हैं वो हमारा क्या होता है, इसको बोलते हैं ड्रेसिंग। इस ड्रेसिंग का मेन पर्पज क्या होता है, इसके अंदर जो घाव है उसको ढकना, उस बुंड को ढकना, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना हो, जो हम मेडिसिन लगाए वो मेडिसिन प्रॉपर लगे, वो स्किन एब्जॉर्ब करे, बाहर से कोई प्रोटेक्शन करने के लिए बेसिकली हम लोग सर्जिकल ड्रेसिंग का यूज करते हैं। अब सर्जिकल ड्रेसिंग के को इवेल्युएशन करने के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ, वाटर परमेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, लीकेज टेस्ट, क्लैरिटी टेस्ट, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट, है ना, ये सारे टेस्ट हैं। उसमें से ये दो टेस्ट को हमको एक्सप्लेन करना है कि लीकेज टेस्ट क्या है और क्लैरिटी टेस्ट क्या है। बाकी इसके सारे टेस्ट को उसके पहले के लेक्चर्स में मैं ऑलरेडी अपलोड समझा चुका हूँ, एक बार ये क्वेश्चन आया था। देखिए, लीकेज टेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपकी जो पैकिंग है, ड्रेसिंग है, ये आपको ध्यान देना है, सबसे पहले ध्यान देना कि जो ड्रेसिंग है वो ऐसा, क्योंकि क्या होता है, वो क्या होते हैं, सर्जिकल जो आपके वायर्स होते हैं ना उसके द्वारा बुने होते हैं बहुत पतले, तो ये क्या होना चाहिए कि इसके अंदर जो आपका वुंड प्रोटेक्टेड है, बाहर से किसी भी प्रकार के वाटर का या मॉइस्चर का, ह्यूमिडिटी का, इसके अंदर वो नहीं जाना चाहिए। और दूसरी, जो अंदर से पस और ब्लड निकल रहा है वो इस बैंडेज के ऊपर से बाहर फ्लो नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने पट्टी बांध दी और ऊपर से खून बह रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं, अगर ये इसको टेस्ट करने को बोलते हैं लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट में क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि हम बैंडेज के दोनों साइड में प्रेशर के साथ कुछ फ्लूइड पास करते हैं, जिसमें पस या WBC की तरह ब्लड होते हैं, उसको जब पास करते हैं और देखते हैं कि दोनों साइड में परमिबिलिटी कितनी, अगर वो पास कर जा रहा है तो लीकेज टेस्ट फेल है, और अगर पास नहीं कर रहा है तो लीकेज टेस्ट पास है, ठीक है। आप केवल समझ लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी इसके नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे KCLPharmacy.com पे, और वहाँ पे सारे नोट्स का जो सिलेबस है, पूरा सोल्यूशन है, वो नोट्स के फॉर्मेट में है, आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, ये हमारा लीकेज है। दूसरा होता है फ्रेंड क्लैरिटी टेस्ट। तो सर्जिकल ड्रेसिंग में क्या होता है, कुछ क्लैरिटी टेस्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर हम बना रहे हैं, कुछ हमारे जो बैंडेज बनते हैं उसमें पार्टिकल्स जो होंगे वो क्लियर होना, ऐसा नहीं उसमें कुछ भी पार्टिकल्स होने चाहिए, वो हमेशा एकदम क्लियर होना चाहिए, उसमें ना भी कोई भी किसी तरह के पार्टिकल्स, जो रॉ मटेरियल्स हैं या फिर कुछ गम्स हैं या पार्टिकल्स हैं जो कंटामिनेशन कर सकते हैं, उनका होना नहीं, ये क्लैरिटी टेस्ट कहलाता है, यानी कि आपको वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, वो हमारा सोल्यूशन, वो हमारा बैंडेज, वो सर्जिकल ड्रेसिंग हमारा पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल्स का या डस्ट पाउडर का या किसी भी प्रकार के कंटामिनेटेड सब्सटेंस का होना नहीं जरूरी है, उसको चेक करने के हम लोग क्लैरिटी टेस्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का पार्ट था, क्लैरिटी टेस्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 है, आईवी सेट। राइट शॉर्ट नोट ऑन आईवी सेट। ये फ्रेंड, ये आईवी सेट क्या होता है, इसको इंट्रावेनस सेट बोलते हैं। आईवी सेट क्या होता है, देखिए आपको फ्रेंड पता होता है कि जब कोई पेशेंट बहुत ज्यादा डायरियल कंडीशन में है या बहुत ज्यादा बीमार है तो, या फिर वो अनकॉन्शियस केस में है, तो उस केस में क्या होता है कि वो मुंह से चीजें नहीं खा सकता, तो हमको उसको आईवी ही देना पड़ता है, इंट्रावेनस इंजेक्शन देने होते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होते हैं, इंट्रावेनस जो इंजेक्शन होते हैं फ्रेंड, वो हमको पर्याप्त नहीं होता देने के लिए, तो क्या होता है, हमको ऐसे पेशेंट को आईवी सेट चढ़ाना होता है। आपने ड्रिप सेट देखा होगा जिसमें ग्लूकोज भरे होते हैं या सलाइन सोल्यूशन होता है, या तो इसमें D5, D10 यानी ग्लूकोज होते हैं, या 0.9% सलाइन सोल्यूशन होता है। ये क्या करते हैं, हम किसी भी पेशेंट को ड्रिप के द्वारा आईवी रूट से चढ़ाते हैं, ये हमारा आईवी सेट है। ये जो पूरा का पूरा ये ड्रिप सेट है, ये पूरा क्या है, ये आईवी सेट है। तो इंट्रावेनस इन्फ्यूजन इसको कहते हैं, जो हम एक साथ चढ़ाते हैं इसको आईवी इन्फ्यूजन कहते हैं, या इंट्रावेनस इन्फ्यूजन। तो आईवी सेट क्या है, किसी भी पेशेंट को इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के द्वारा उसके बॉडी में सप्लाई करना, किसका, ग्लूकोज का, सेलाइन सोल्यूशन का, या वाटर की जो लॉस हुआ है उसको सप्लाई करना, हम लोग क्या बोलते हैं, आईवी इन्फ्यूजन कहते हैं, क्लियर है। तो आईवी सेट के द्वारा क्या होता है, ये आईवी सेट का यूज कब करते हैं,
उसके कौन कौन शर्त है। पहली शर्त, जब पेशेंट हमारा अनकॉन्शियस हो, वो दवा खा पाने की स्थिति में ना हो, तो उसको हम आईवी सेट देते हैं, क्योंकि बार बार इसको इंजेक्शन लगाने से पेन होगा। एक बार हमने आईवी सेट लगा दिया, फिर जितनी भी हमको इंजेक्शन डालनी है हम इसमें डाल देते हैं। और जब हम इसमें इंजेक्शन डाल देते हैं फ्रेंड, तो क्या होता है कि हमको दवा बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती, हम इंजेक्शन इसी में डाल करके पेशेंट के साथ सप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात, जब हमारा पेशेंट के साथ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड वो डिहाइड्रेशन चला गया हो, बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो गया हो, तब हम इंजेक्शन या पानी पिला पिलाकर उससे बॉडी को हम रिहील नहीं कर सकते। इसलिए हमको तुरंत आईवी सेट का सहारा बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। इन दैट केस में हम आईवी सेट को चढ़ाते हैं, ठीक है। और भी इसके पीछे की कहानियाँ हैं कि हम कैसे चढ़ाते हैं आईवी सेट, की कौन कौन से तरीके होते हैं, तो कितने प्रकार के आपके आईवी सेट्स होते हैं, इन्फ्यूजन होते हैं वो, है ना। तो वो कुछ आईवी होता है, कुछ आईएम होता है। तो आईवी इन्फ्यूजन में बेसिकली कौन कौन सा होता है, डेक्सट्रोज सॉल्यूशन होते हैं, जब बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो D5 या D10 का फॉर्म आते हैं, 5%, 10%, या बॉडी में जब सॉल्ट की कमी हो जाए तो ये हमारा सेलाइन सॉल्यूशन हम देते हैं। और कुछ कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, फैक्टर पर डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है पेशेंट की एज, यानी जिस पेशेंट को हम दे रहे हैं उस पेशेंट का एज ग्रुप क्या है, छोटा बच्चा है या बड़ा है या ओल्ड एज है, क्योंकि बहुत ओल्ड या छोटे बच्चों में आईवी ड्रिप जो होती है वो जल्दी दिखती नहीं है, तो उस पर सब चढ़ाना बहुत दिक्कत होता है। दूसरा है इसकी हाइट, यानी कि जितनी भी ऊंची से, जितना ऊंचाई पे हम ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाएंगे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा और उतना ही तेज स्पीड से वो आएगा। तो हाइट भी मेंटेन करना, बहुत ऊपर करोगे तो स्पीड बढ़ जाएगा वो भी ठीक नहीं है, और बहुत नीचे कर दोगे तो स्पीड चलेगा ही नहीं, तो उसकी स्पीड को रेगुलेट करना ये हाइट। तीसरा आपको पता है स्पीड, अगर आपने कभी ग्लूकोज चढ़ते किसी को देखा होगा तो उसमें बीच में एक इस तरह का डिवाइस लगा होता है जिसमें कि ये रिंग लगा होता है, इसको आगे पीछे सरका करके इसकी स्पीड को हम लोग क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं कि कितनी स्पीड से वो सब जाएगा। तो ये सब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 क्या आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। हाई ब्लड प्रेशर या उसको हम लोग हाइपरटेंशन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 44 हाइपरटेंशन है। देखिए फ्रेंड, हाइपरटेंशन भी मैंने बहुत डिटेल पे एक वीडियो बनाई हुई है, आपको मैं वो लिंक उसको दे दूंगा, इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे जाकर के आप इस वीडियो को देख लीजिएगा कि हाइपरटेंशन क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज द हाइपरटेंशन या ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये आपको पता है कि हमारा ब्लड वेसल है, यानी खून की नली, जिसके द्वारा हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। और जब बॉडी में हमारे ब्लड फ्लो करता है फ्रेंड, तो ये ब्लड अपने इंडोथेलियल वॉल पे, यानी नीचे ब्लड की जो लास्ट लेयर होती है, उस लास्ट लेयर को इंडोथेलियल कहते हैं। तो जब ब्लड फ्लो करता है तो वो इंडोथेलियल लेयर पे कुछ प्रेशर क्रिएट करता है, और जो प्रेशर क्रिएट करता है वही प्रेशर जो होती है बेसिकली ब्लड प्रेशर कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर। तो क्या होता है इन दैट केस में कि हाइपरटेंशन कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। पहला कि ब्लड का वॉल्यूम बहुत बढ़ जाए, यानी खून का वॉल्यूम बढ़ जाए, उस केस में ब्लड प्रेशर हो सकता है। या ये जो ल्यूमेन साइज है, ल्यूमेन साइज मतलब होता है जो आपके डायमीटर है ब्लड प्रेशर का, अगर ये हल्का हो जाए यानी घट जाए, कैसे घटेगा, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस एथेरोमा बन जाए तो ल्यूमेन साइज का घट जाएगा, यानी अगर यहाँ पे हम ब्लॉक बना दें, इतना रास्ता ब्लॉक कर दें एथेरोस्क्लेरोसिस से, तो ल्यूमेन साइज घट जाएगा, उससे भी ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ सकता है। कितने प्रकार के होते हैं, 4, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, रेंज दिया है, नॉर्मल होता है 120/80। तो सारा डिटेल और सारा डिस्क्रिप्शन मैं आपको लिंक पे दे रहा हूँ, उस लिंक को क्लिक करके आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लें, तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट हाइपरटेंशन का क्लियर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 44 था, 45 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है एपिलेप्सी। क्वेश्चन नंबर 45 एक्चुअल में कुछ और है, मिसिंग है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, दिस इज एपिलेप्सी, ठीक है। एपिलेप्सी को सीजर भी बोलते हैं फ्रेंड, अगर आपने इसको पढ़ा होगा। एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी, आपने किसी पेशेंट को देखा होगा उसको कन्वल्जन आते, झटके आते हैं, तो उसको मिर्गी आती है। तो मिर्गी क्यों आती है, कैसे आती है, कितने प्रकार की होती है, अब्सेंट सीजर, पीटेटिबल सीजर, जनरलाइज सीजर, ठीक है, उसमें सिंपल और कॉम्प्लेक्स सीजर। तो एपिलेप्सी को भी बहुत एक्सपीरियंस मैंने किया है फार्माकोलॉजी वाले पार्ट में, तो उस फार्माकोलॉजी वाले पार्ट का मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा, आप वहां से इसको देख करके आप इसको पढ़िएगा, आपको एपिलेप्सी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कैसे होता है, क्यों होता है, कितने प्रकार का होता है, सारा कॉन्सेप्ट आपका 46 नंबर का आपका यहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर कहते हैं, क्वेश्चन है हेपेटाइटिस। क्वेश्चन नंबर 47 इज हेपेटाइटिस। देखिए फ्रेंड, हेपेटाइटिस आपको नाम से लग रहा होगा, ये बन के बना है हेपेटिक सेल और आइटिस। मैंने आपको एक बात आपको बहुत पहले बताया था कि एक चीज होती है इन्फ्लामेशन,
इन्फ्लामेशन मतलब क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में कुछ ढेर सारे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होने लगते हैं या हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है तो इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन जिस एरिया में होता है वहाँ पे चार चीज़ें होती हैं, वहाँ पे रेडनेस होता है, वहाँ पे हीट होता है, वहाँ पे स्वेलिंग होती है, वहाँ पे पेन होता है और वहाँ पे एक और होता है लॉस ऑफ फंक्शन। यानी पांच चीज़ें होती हैं बॉडी के जिस भी ऑर्गेन में इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, ये पांच चीज़ें आपको कैसे याद रखनी है, मान लीजिए आपको मधुमक्खी काटेगी तो वहाँ पे सूजन भी होगा, रेडनेस भी होगा, हीट भी होगा, पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा। तो इन्फ्लामेशन जिस भी ऑर्गेन में होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए ऑर्गेन के साथ हम यहाँ लगाएंगे ऑर्गेन और प्लस आइटिस। यानी अगर जिस वर्ड के लास्ट में आइटिस लग जाए, ई आई टी आई एस, समझ लो वहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। जैसे हिपेटाइटिस मतलब हिपैटिक सेल में आइटिस, यानी हिपैटिक सेल में इन्फ्लामेशन, हिपैटिक मतलब लीवर की कोशिकाएं। जैसे मैं कहूँ कंजक्टिवाइटिस तो आंखों के कंजक्टिवा में इन्फ्लामेशन, मैं कहूँ पैनक्रियाटाइटिस यानी पैनक्रियाज में इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो इस तरह से मैं कहूँ गैस्ट्राइटिस मतलब गैस्ट्रिक में इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो जितने भी चीज़ें होती हैं उसमें बस आइटिस लगा दो उनमें इन्फ्लामेशन की बात आ जाती है। तो अब क्या होता है कि हिपैटिक सेल क्या होता है, आपको पता है कि जो लीवर की कोशिकाएं होती है हिपैटिक सेल, उनका मेन काम क्या होता है कि हमारी बॉडी में बिलिरुबिन बिलिरुबिन साल्ट का मेंटेनेंस करती हैं। तो हिपैटिक जब सेल में इन्फ्लामेशन होता है तो हिपैटिक सेल में इन्फ्लामेशन होने के कारण हमारे बॉडी के सॉल्ट ले बाइल सॉल्ट के कंसनट्रेशन बिलिरुबिन और बिलिरुबिन साल्ट के कंसनट्रेशन में इम्बैलेंस होता है जिससे बीमारी होती है, इसको हिपेटाइटिस कहते हैं। धीरे धीरे हमारा लीवर जो होता है वो खराब भी हो सकता है अगर इसका बहुत तरह से ट्रीटमेंट ना किया जाए। तो हिपेटाइटिस जो होता है वो दो तरीकों से होता है, एक हमारा बेसिकली बैक्टीरिया कारण होता है, बैक्टीरिया होते हैं हमारे हर्पीज वायरस होते हैं या फिर कुछ और बैक्टीरिया वायरस होते हैं, हिपेटाइटिस वायरस होते हैं, सॉरी हिपेटाइटिस वायरस का नाम आपने सुना होगा, कौन कौन से वायरस होते हैं, हिपेटाइटिस ए, हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई, ये हमारे कुल हिपेटाइटिस वायरस होते हैं, उनके अटैक होने से हमारे लीवर के सेल में इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए हमारे बेसिकली वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन बचपन में ही कराया जाता है या हिपेटाइटिस का टीका देता है, तो आपने हिपेटाइटिस बी का टीका जरूर लगवाया होगा कभी ना कभी, तो वो टीके के हिसाब से भी इसको हम लोग ठीक करते हैं। इसका वैक्सीनेशन जो है सबसे बेस्ट है और इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन जो है हिपेटाइटिस बी के द्वारा होता है, तो उसका वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण लगा के उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन नंबर 47 था हिपेटाइटिस के बारे में। बाकी मैं आपको एक रफली कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, आपको डिटेल इसका नॉलेज और इसकी नोट्स बहुत आसान भाषा में हमारे वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे ख्याल से सबने उसको डाउनलोड कर ही लिया है, आपके हाथ में है, आप उसको पढ़ लीजिए। मैं आपको समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन हो जाए। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। अगला क्वेश्चन नंबर 48 है कि एसजीओटी और एसजीपीटी ये क्या होता है और इसका हमारे बॉडी में क्या रोल है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एसजीओटी एंड एसजीपीटी एंड देयर रोल इन आवर बॉडी। देखिए एसजीओटी और एसजीपीटी क्या है कि हमारे बॉडी का जो सबसे मेन ऑर्गेन क्या है, लीवर। लीवर क्या है, ये करता है मेटाबॉलिज्म। हम जो भी खाते हैं, हम जो भी पीते हैं, जो दवाइयाँ खाते हैं, उन सब बॉडी का मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और लीवर के बाद मेटाबॉलिज्म होके ही वहाँ पे बहुत सी चीज़ों का डिग्रेडेशन होता है, प्रोटीन बनता है, सब चीज़ होता है, वो लीवर में हो रहा है। अच्छा क्या हो रहा है कि अगर हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है और हमारे बॉडी में अगर लीवर हमारे डैमेज हो रहे हैं तो हमारे बॉडी में एक एंजाइम होता है अमीनो ट्रांसफरेज। ठीक है, एक एंजाइम होता है अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है, या ट्रांस पेप्टाइड या ट्रांस ट्रांस होता है। तो ये ट्रांसफरेज एंजाइम करता है कि इसका एक लेवल होता है, अगर ये लेवल हमारी बॉडी में जब भी लीवर से डैमेज होता है तो वो दो तरह के एंजाइम निकालता है, एसजीओटी और एसजीपीटी। एक होता है सीरम ग्लोब्यूलिन ऑक्सीडो ट्रांसफरेज और एक होता है सीरम ग्लोब्यूलिन पायरुवेट ट्रांसफरेज। ठीक है, सीरम ग्लोब्यूलिन ऑक्सीडोरेटेज ट्रांसफरेज और सीरम ग्लोब्यूलिन पायरुवेट ट्रांसफरेज, ये इन दोनों एंजाइम का लेवल बहुत कम होता है। कम क्यों होता है कि जैसे ही हमारा जो लीवर सेल है जब इसमें इन्फेक्शन होगा तो लीवर सेल के इन्फेक्शन होने के कारण या हमारे बॉडी के जो मसल्स होते हैं उनमें इन्फेक्शन के कारण ये एसजीओटी और एसजीपीटी का रिलीज करते हैं, एसजीओटी और एसजीपीटी रिलीज करते हैं। यानी अगर हमारे बॉडी में इनका लेवल, इनका कंसंट्रेशन बढ़ा, एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा बढ़ा, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में मसल कीटोसिस हो रहा है या हमारे लीवर सिरोसिस हो रहा है, यानी हमारे लीवर या मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि जब भी लीवर और मसल में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई दिक्कत होगी, तो एसजीओटी और एसजीपीटी दोनों एंजाइम्स का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में अचानक से बढ़ जाएगा। और इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जब भी हम एसजीओटी और एसजीपीटी का टेस्ट करते हैं तो उसके कंसंट्रेशन के बेसिस पे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा इंसान का जो लीवर और मसल स्वस्थ है कि नहीं स्वस्थ है।
ये पता लगाने का मेन काम किसका होता है, हमारे SGOT और SGPT का होता है, ये बेसिकली इसका काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है PTC। देखिए फ्रंट PTC ऐसा टॉपिक है जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इसलिए बार बार घूम घूम के आ रहा है। दिस इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल एंड थेरेपेटिक कमेटी। इस PTC पे मैं कम से कम दो बार डिस्कस कर चुका हूँ, इसके पहले के टॉपिक्स में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमेटी क्या होता है आपको पता है, किसी भी अस्पताल में फार्मासिस्ट, वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के फिजिशियन, वहाँ के सारे हेड नर्सिंग स्टाफ मिलकर एक कमेटी बनाते हैं जो अस्पताल को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करते हैं, वही फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमेटी। तो इसमें ऑलरेडी मैं पहले से ही बहुत बातें कर चुका हूँ, इसलिए यहाँ फिर से इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। इसको हम लोग क्या करेंगे, आप पुराने वाले लेक्चर से ही पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। दिस इज डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको याद होगा तो इस पर भी एक बार टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है, एक बार क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है। डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पहले बात जानिए कि डायग्नोसिस क्या होता है। डायग्नोसिस का मतलब होता है जांच और परीक्षण, यानी कि आप ठीक हैं पढ़ने में कि नहीं ठीक है, हम कैसे जांच करेंगे, आपका टेस्ट लेंगे, आपका नेचर कैसा है, आपका आचरण कैसा है, हम आपके साथ एक दिन बिता के चेक करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे बॉडी में हमारे सारे ऑर्गन, हमारे फंक्शन काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उनके सभी ऑर्गन की हम जाँच करते हैं, जिसको डायग्नोसिस कहते हैं। तो अब डायग्नोसिस के लिए अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट। अब इससे हार्ट का चेक करना है तो हार्ट के लिए हम ECG करेंगे, है ना, हार्ट के लिए ECG करेंगे, वो हमारा डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट ECG है। ब्लड में हमको ब्लड ग्लूकोज चेक करना है तो ब्लड ग्लूकोमीटर होता है। क्रिएटिनिन चेक करना है वो होता है। यूरिन में यूरिक एसिड चेक करना है, ठीक है। उसी तरह से ढेर सारे से अल्ट्रासाउंड मशीन है, NMR मशीन है, ठीक है, और इस तरह से जो MRI है उसके लिए जितनी भी मशीन्स होती हैं वो सब डायग्नोस्टिक किट्स होती हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी में, हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे डायग्नोस्टिक किट्स होते हैं जिसका यूज करके, अलग अलग किट्स का यूज, एक्सरे मशीन से हम लोग हड्डी की जांच कर लेते हैं, तो अलग अलग किट्स का यूज करके हम लोग अपनी बॉडी का पूरा फुल चेकअप कर सकते हैं। हमारे डायग्नोस्टिक इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी आप जानते हैं, नोट्स में ऑलरेडी है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको आप देख लेंगे। ठीक है, अब ये हमारा हो गया Part 8। हम Part 9 फिर से लेकर आपके सामने आएंगे फ्रेंड, और इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक के टॉपिक को खत्म करेंगे। और मैं एक्चुअल में इसको भूल चुका था, मुझे याद नहीं था कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, मुझे लगा ये फिनिश हो चुका है, फिर एक स्टूडेंट ने मुझे रिवाइंड किया, तो फिर मैं आपको फिर से इसको लेकर आया। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको नेक्स्ट टॉपिक को भी खत्म करते हैं। धन्यवाद।